हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खरगोश को गर्मियों में क्या खिलाएं। जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो खरगोश इस तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में खरगोश को क्या क्या खिलाना चाहिए। बात करते हैं सब्जियों में। सब्जियों में हमें खरगोश को खीरा, जिसमें 95% पानी होता है, उसके बाद है टमाटर। टमाटर में भी 94% पानी होता है। कैप्सिकम, ये भी एक सेफ है जो हमें अपने रैबिट को देना चाहिए। फिर है उसके बाद पालक, फिर गाजर। तो गाजर भी सेफ है, बस हफ्ते में एक दो बार अपने रैबिट को खिलाएं तो ये भी आपके रैबिट के लिए सेफ है। अब बात करते हैं फलों की। फलों में क्या है कि सबसे पहले है तरबूज। तरबूज आप अपने रैबिट को दे सकते हैं, पर सीड निकाल के। उसके बाद आम, आम भी आप अपने खरगोश को दे सकते हैं। फिर आप अपने खरगोश को स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्रूट आप हफ्ते में एक से दो बार अपने खरगोश को दे सकते हैं। सेब भी आपके खरगोश के लिए सेफ है, आप इसको भी खिला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं खरबूजा। खरबूजा भी आप अपने खरगोश को खिला सकते हैं। तो अंगूर, अंगूर में भी 96% पानी होता है जो आप अपने रैबिट को खिला सकते हैं। और ये सब जो सब फल या सब्जियां मैंने आपको बताई है, ये सब आप फ्रिज में रखकर ठंडा ना करें। ठंडा करके आप अपने रैबिट को ना दें, वरना उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।